हम सभी ने गणेश जी की मूर्ति देखी है। सभी मूर्तियों में गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ रहता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पर लिखूंगा कि आप बीच में चुप नहीं होंगे। तब महर्षि ने भी एक शर्त रखी, आप जो भी लिखेंगे उसे समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी भी शर्त मान गए। अब दोनों ने काम शुरू किया और महाभारत के लेखन का काम प्रारंभ हुआ। महर्षि के तेजी से बोलने के कारण कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। अब अपने काम में बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डूबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। शनिदेव पर सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिदेव पर सरसों के तेल को अर्पित करने की वजह क्या है? शास्त्रों के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों और ताकत पर घमंड हो गया था। वहीं इस समय हनुमान जी की कीर्ति व बल की चर्चा चारों ओर हो रही थी। हर कोई बजरंग बली की यश कीर्ति और बल की तारीफ करता था। जब ये बात शनिदेव को पता चली तो उनको हनुमान जी के बल का गुणगान बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। जब शनिदेव युद्ध के लिए हनुमान जी के पास गए तो वह भगवान राम की भक्ति में लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध के लिए कहा तो हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव ने एक न सुनी और वह युद्ध की बात पर अड़े रहे। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें पीड़ा होने लगी। पीड़ा को देखते हुए शनिदेव को हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला। देखते ही देखते कुछ समय में शनिदेव का पूरा दर्द खत्म हो गया। शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके बाद से ही शनिदेव पर शनिवार को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। आप सभी ने अमरनाथ में मौजूद कबूतर के जोड़े के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको इनके रहस्य के बारे में पता है? आइए जानते हैं। अमरनाथ की पावन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग तैयार होता है। इसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मानते हैं और दूर दूर से दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। इस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद है जो अमर हो चुका है। इस जोड़े के दर्शन करने वाले को काफी भाग्यवान माना जाता है। शिव पुराण में मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंड माला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते हुए शिव जी ने कहा कि ये सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। शिव जी से इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, आप क्यों नहीं? मैं अमर नहीं हूँ तो आप अमर क्यों हैं? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो शिव जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में ही सो गई। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वहाँ सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने इस कथा को सुन लिया है। पहले तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पूरी कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतरों को ये वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता ऋषि मुनि शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की आंखों को ढका, संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।